आज है गौतम बुद्ध का जन्म दिवस यानी बुद्ध पूर्णिमा, और इनके कुछ उपदेश है जो आपको काम देने वाले हैं, आपके जीवन में अच्छा मार्ग देने वाले हैं। तो चलिए हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि जीवन वह नहीं जो हमें मिला, जीवन वह है जो हमें, जो हम बनाते हैं। गौतम बुद्ध का ये उपदेश है, बहुत सारे उपदेश मैंने यहाँ पर लिया हूँ। यह मत नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था, तुम हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हो। गौतम बुद्ध जी का कहना है कि बहुत सारे लोग जो थे सुसाइड कर लेते हैं 10th में फेल होने के बाद, 12th में फेल होने के बाद, तो ये कहते हैं कि यह मतलब नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था, तुम हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हो। इस पूरी दुनिया में उतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके, ये भी बुद्ध का ही उपदेश है। व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है यह महत्वपूर्ण है, ये भी बुद्ध का ही उपदेश है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता, यह बुद्ध का उपदेश है। आपको जो भी मिला है उसका अधिक मूल्यांकन न करें और न ही दूसरों से ईर्ष्या करें। वे लोग जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उन्हें मन की शांति कभी प्राप्त नहीं होती, ये भी गौतम बुद्ध जी का ही उपदेश है। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, खुद का नुकसान जरूर करती है। हम आपको बता दें कि ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान तुम्हारी रक्षा करती है। तो गौतम बुद्ध का सबसे इम्पोर्टेंट और मुझे सबसे अच्छा उपदेश यही है, यही लगा है। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं, जो आप महसूस करते हैं उसे आओ आकर्षित करते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। अगर आप उन चीजों को कदर नहीं करते जो आपके पास है, तो कभी भी खुश नहीं रह सकते आप। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजे और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें, यही सफलता का मार्ग है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ी संबंध है। हजारों साल बिना समझदारी के, बिना समझदारी के जीने से बेहतर है एक दिन समझदारी के साथ जीना। बहुत लोग होते हैं ऐसे। आप संसार में कभी भी ऐसा व्यक्ति खोज ले कहीं भी जो आपको आपसे ज्यादा प्यार करता हो, आप पाएंगे कि जितना आप खुद को प्यार कर सकते हैं उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए लोगों से उम्मीद छोड़िए, खुद के लिए जीना शुरू कीजिए, खुद के लिए काम कीजिए। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते जो आपके काबिल नहीं होता है। तो कुछ लोग जो है 10th में है वो संगत सोसाइटी से दूर रहे। जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए ऐसे आदमी के साथ आप रहे। और कुछ ऐसे लड़के लड़कियां होती है जो गलत संगति होती है, जो व्यक्ति जरूरत पड़ने पर ही बोलता है वो मूर्ख नहीं सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान लोग बेवजह ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, कम बोलते हैं और जितनी जरूरत हो उतनी ही बात कीजिए। बेवजह दुनियादारी करने से कुछ हासिल नहीं होने वाली है। शांत रहकर सांसों को सुनिए, सांसें आपको कहीं रास्ता जरूर देगी। अभी के अभी कोशिश कीजिए, परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं लेकिन आप कुछ बेहतर भी पा सकते हैं। खोने से डरिए मत। बहुत सारे आदमी अपने कंफर्ट जोन को खोना नहीं चाहते तो वो अच्छा नहीं कर सकते हैं। परमात्मा तुम्हारे बिना भी परमात्मा ही है, यानी परमात्मा तुम्हारे बिना ही भी परमात्मा ही है, और पर तुम बिना परमात्मा के कुछ भी नहीं हो। त्याग का अर्थ घर छोड़ करके भाग जाना, न दुकान छोड़ करके जाना। त्याग का अर्थ इतना है कि तुम जहां भी हो जिस स्थिति में भी हो उसे उतने ग्रसित मत हो जाना कि जब छीनी जाए तो तुम पीड़ा से भर जाओ, ठीक है? इसे नहीं करना। जीवन उसका ही सुधरेगा जो आंखें बंद होने से पहले आंखें खोल लेगा। बुद्ध को भी आखिरी क्षण में जब ज्ञान हुआ और किसी ने पूछा कि आपको क्या मिला, हमें बताइए, तो बुद्ध ने कहा, मिला कुछ भी नहीं, जो मिला हुआ है उसी का पता भर चला है, जो था ही मेरे पास, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि अब मैंने जाना कि यह मेरे पास ही था। जैसे कि आप कंप्यूटर खरीदते हैं, आईफोन का लैपटॉप खरीद लेते हैं, आपको चलाने ही नहीं आता, तो आप क्या करते हैं, उसे सीखते हैं, उसे यूट्यूब से देखते हैं कि कैसे क्या करना है। उसी तरह से ज्ञान भी होता है, हम लोग के अंदर है, ठीक है, लेकिन हम उसे चलाना नहीं जानते कि उसे कैसे चलाए। तो गौतम बुद्ध वही बात बोले थे, ठीक है। बुद्ध ने कहा कि जब तक तुम हो तब तक बंधन है, जब तक तुम हो तब तक संसार है, जब तक तुम हो तब तक अमुक्ति है। इसीलिए बुद्ध कहते कि वहां तुम भी ना बचोगे, वहां कोई मैं ना होगा, मैं से मुक्ति का निर्माण है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ उपदेश थे। आज है गौतम बुद्ध का बुद्ध पूर्णिमा, इनके अवसर पर मैं ये कुछ छोटा सा वीडियो बनाया हूँ। आप लोग अच्छा लगे इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे एक प्यारा सा कमेंट करें कि गौतम बुद्ध से आप प्रेरणादायक, गौतम बुद्ध आपके एक रियल हीरो है या नहीं है, आप नीचे कमेंट करके बताएं।